टी20 वर्ल्ड कप 2022 जीतते ही इंग्लैंड ने रच दिया इतिहास, वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा करने वाली बनी पहली टीम। इंग्लैंड अब वर्ल्ड क्रिकेट में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके पास वनडे और टी20 वर्ल्ड कप दोनों खिताब है। इंग्लैंड ने इससे पहले 2019 वर्ल्ड कप अपने घर जीता था। दोनों टाइटल इस समय इंग्लिश टीम के पास है। इंग्लैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाकर इतिहास रच दिया है। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इंग्लैंड अब वर्ल्ड क्रिकेट में पहली ऐसी टीम बन गई है जिसके पास वनडे और टी20 वर्ल्ड कप दोनों खिताब है। इंग्लैंड ने इससे पहले 2019 वर्ल्ड कप अपने घर जीता था। यह दोनों टाइटल इस समय इंग्लिश टीम के पास है। इससे पहले कोई टीम ऐसा नहीं कर पाई है। इस जीत के साथ जोस बटलर की टीम ने वेस्टइंडीज की भी बराबरी कर ली है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले वेस्टइंडीज ही एकमात्र ऐसी टीम थी जिसके पास दो टी20 वर्ल्ड कप टाइटल थे। इस टीम ने 2012 और 2016 में ये ट्रॉफी उठाई थी। पाकिस्तान पर जीत के साथ इंग्लैंड के पास भी दो टी20 वर्ल्ड कप के खिताब हो गए हैं। इंग्लैंड इससे पहले 2010 में चैंपियन बनी थी। बात मुकाबले की करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 138 रनों का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड को शुरुआत तो अच्छी मिली, मगर बीच में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की। स्टोक शुरुआत में थोड़ा जूझ रहे थे, मगर उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा था, जिस वजह से उन्होंने दबाव में आकर भी अपना विकेट थ्रो नहीं किया। बेन स्टोक्स की जुझारू पारी के दम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से हराकर खिताब जीता है। इंग्लैंड का यह दूसरा टी20 वर्ल्ड कप टाइटल है। इससे पहले उन्होंने 2010 में यह ट्रॉफी अपने नाम की थी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर को बेन स्टोक्स की नाबाद 52 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने 6 गेंदे शेष रहते जीत लिया। इंग्लैंड की जीत में शाहीन अफरीदी की चोट ने भी अहम भूमिका निभाई। ब्रुक्स का कैच पकड़ने के दौरान अफरीदी चोटिल हो गए थे। 16वां ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी पहली गेंद डालने के बाद चोट से जूझते दिखे, वह मैदान छोड़कर बाहर चले गए हैं। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है। उनका ओवर इफ्तिखार पूरा करेंगे। यहां से इंग्लैंड ने प्रहार करना शुरू किया और मात्र 18 गेंदों में मैच खत्म कर दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर शान मसूद रहे, जिन्होंने 38 रन बनाए। वहीं उनके बाद बाबर आजम ने 32 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए सैम कुरन ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। वहीं आदिल रशीद और क्रिस जॉर्डन को 2-2 सफलताएं मिली। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने 1 रन लेकर इंग्लैंड को खिताब जिताया। बेन स्टोक्स क्या लाजवाब खिलाड़ी है। जब जब टीम मुश्किल में होती है, ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताता है। इंग्लैंड ने इसी के साथ जीता दूसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली को बोल्ड कर वसीम जूनियर ने इंग्लैंड को दिया 5वां झटका। मोइन ने बनाए 19 रन। इंग्लैंड को इस वर्ल्ड कप में एकमात्र हार का सामना आयरलैंड के खिलाफ करना पड़ा था। इसके अलावा ये टीम टूर्नामेंट का कोई मैच नहीं हारी है।